हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शिफास किचन। तो आज हम बनाएंगे कटोरी चाट। हमें एक कप दही, आधा कप इमली की चटनी, सेव, आधा कप हरा मूंग उबला हुआ, अनार के दाने, आधा कप बटाटा या पोटैटोस बॉइल्ड, काले चने बॉइल्ड, नमक स्वाद अनुसार, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, कटा हुआ धनिया, 1/4 कप पीसी हुई चीनी और समोसा पट्टी। चल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे पटेटोस, काला चना, हरा मूंग और लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर, जीरा पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। हमारा फिलिंग बनकर रेडी है। अब हम दही में डालेंगे हमारी पीसी हुई चीनी और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारा दही भी बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम एक समोसा पट्टी लेंगे, उसे इस तरह फोल्ड करके कट कर लेंगे 3 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में। फिर उसे हम इस तरह प्लेस करके एक छन्नी में डालकर एक विस्क की मदद से फ्राई करेंगे ऐसे। मीडियम ऑयल पे फ्राई कीजिए, अगर तेल बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे होगा तो वो जल जाएगी। अब हम बास्केट या हमारी कटोरी में हमारा फिलिंग डालेंगे, पटेटोस, काला चना और हरा मूंग, जिसमें हमने डाला था थोड़ा सी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला और नमक। इस पर हम अब डालेंगे दही, इमली की चटनी और फिर उस पर थोड़ा सी हम डालेंगे चाट मसाला और जीरा पाउडर। फिर हम उस पर डालेंगे सेव, अनार के दाने और कटा हुआ हरा धनिया। कटोरी चाट बनकर रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। अगर आप मेरी कोई भी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे टैग करना ना भूले। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करें कि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ आपको एक नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू।